देखो ये जड़ी टीम हैगी है पंजाब गवर्नमेंट ने एक तरह की फैसिलिटेशन टीम है एक तरह की जिदे वास्ते क्योंकि हुण आपां देखिए कि कोविड के केसिस पूरी कंट्री च बढ़ गए हैं ते पंजाब च भी बढ़ गए ते इहदे नाल हुशियारपुर वाले एरिया च भी बढ़ गए ने। सो इस करके जिहड़ी पंजाब गवर्नमेंट है वह चाहती है कि हर एक जगह पर जिहड़े स्पैशलिस्ट ने जिहड़े एक्सपर्ट्स ने वो जाके जिहड़े लोकल डॉक्टर्स हैं ते जिद्दां सिविल सर्जन साहब हैं जां लोकल डॉक्टर्स हैं उन्हां नाल एक डिस्कशन करन कि जिहड़ी अपनी प्रॉब्लम बड़ी हैगी है ते इहनां दा जिहड़ा ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है वो सारी यूनिफॉर्म है ऑलरेडी यूनिफॉर्म है पर कई चीज़ कई बार कुछ कम्युनिकेशन होवे कोई गैप होवे जां ट्रीटमेंट नूं होर किदां बेहतर कर सकीए जां पेशेंटां दा जिहड़ा आउटकम है होर किदां वधिया कर सकीए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा कि ये सारिया जी आप तीन चार डॉक्टर की टीम बना के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जा रही है तो अज इस करके क्योंकि मोहाली कुछ केसिस ज़्यादा हो गए इधर वाले हुशियारपुर ज़्यादा हो गए सी केसिस इस करके उन्होंने कहा कि पहला इतने शुरू किया जाए। तो की हुशियारपुर हॉस्पिटल चेक किया इतने की साजो समान है पूरा असी तिना बंद ने पी जी आई चो डॉक्टर साहब ने पटियाला हैड वाइस प्रिंसीपल साहब ने तो इन्होंने सारे ने जो कोविड एरिया राउंड किया तो बाकी लोगों इंटरैक्शन की सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिहड़ा पूरा स्टाफ हैगा सब तो वधिया चीज़ होंगी एंथू कि ये करन वास्ते हुंदा नहीं भी हिम्मत हैगी है सारे दे विच ते वो सारे दे विच हैगी टॉप तो लैके सिविल सर्जन साहब तो लैके जिहड़ा साडा सफाई सेवक भी है फकर नाल उत्थे काम कर रहा है कोविड एरिया जिहड़ा कि बहुत मुश्किल हुंदा 8 घंटे ड्यूटी करना। सो ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिहड़ी दूसरी है ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी उहदे वास्ते जिहड़ियां दवाइयां हैगियां ने जिहड़ियां महंगीआं दवाइयां भी हैगियां ने जां बाकी सारा ट्रीटमेंट है वो सारा कुछ चैक किया वो सारा कुछ अवेलेबल हैगा। सो दो चीज़ा तीसरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिहड़े प्रोटोकॉल हैगे ने पंजाब गवर्नमेंट दे ते इंडिया अपनी भारत सरकार वाले वो प्रोटोकॉल नूं ही ट्रीटमेंट नूं इत्थे फॉलो किया जा रहा पर जिहड़ी इक्को ही चीज़ सानूं जिहड़ी कष्ट वाली लगी है कि जिहड़े पेशेंट ने अपने एरिया दे वो तुसीं साडी हैल्प करोगे वो लेट आ रहे हैं जदों इहो जिही स्टेज ते आ जांदे कि जदों सैचुरेशन 80 तों घट जाती है फिर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बंदे प्रोटोकॉल वो भी की करेंगे क्योंकि बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुँच जाती है। सो थोड़े वालों मैं यही रिक्वेस्ट है कि तुम सारे ये प्रोपेगेट करो कि जो बीमारी इलाज इतने है सारा कुछ है देखो ये तो आप इंसान ने इंसान इलाज देने वाले है जगह इतने पूरी वधिया हैगी है पर जे आप देखो फैसिलिटीज का लैवल अलग अलग होंगे है ना कि और दूसरा जी अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है एक दो चीज़ा सगिया जिदा कुछ एरिया दे विच एयर कंडीशनिंग सी वो मेरे ख्याल विदिन 24 आवर एयर कंडीशन क्योंकि टैंपरेचर चेंज हो गया सो एयर कंडीशनिंग भी लगवा रहे हैं हुणी ये और बाकी जिहड़ा पेशेंट रिलेटेड चीज़ा ने वो कंप्लीट है जिदा ऑक्सीजन है बहुत ही अच्छी है असी जो देखिया इन्हां कोल सारा साजो समान भी है जिवें डॉक्टर बिशप ने दस्सिया एवरीथिंग इज़ अवेलेबल जिहड़ियां बहुत महंगीआं मशीनियां ने जिवें कि जिन्हां नूं आपां HFN नूं कहिंदे आ जिन्हां नूं एज NIV भी यूज़ किया जा सकता है वह भी इन्हां कोल अवेलेबल हैगीआं ने। ऑक्सीजन सप्लाई इत्थे काफ़ी हद तक पूरी हैगी है डॉक्टर्स जिहड़े ने वो बहुत ही मेहनत नाल काम कर रहे ने ईवन के जो इन्हां दा स्टाफ है वह भी पोजिशन अज की डेट च बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि पहला कोविड हफ्ता 10 दिन पहला काफ़ी घट सी इकदम वधिया तो उन्होंने इमीजिएटली डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ क्लास फोर सारा कुछ अवेलेबल करवाता है ईवन जो इंजैक्शन ने जो महंगे ने रेमडेसिविर असी उन्हें देख के भी आए हैं वो काफ़ी पेशेंट्स नू चल रहे ने। सो उम्मीद है कि आने वाले टाइम च जे मरीजा की तादाद या उन्हां दी सीरियसनेस वधदी है तो इत्थे उन्हां नू टैकल करन लई उन्हां नू देखन लई बहुत अच्छा इंतजाम हो चुके ऑलरेडी कर चुके ने पर जिवें पहला भी कहा जा चुकिया जो असी देखिया भी आ हुण पेशेंट्स जो रिपोर्ट करते हैं काफ़ी लेट रिपोर्ट करते हैं असी तुहाडे राही यही उन्हां नू रिक्वेस्ट करते हाँ कि जिस समय उन्हां नू तकलीफ शुरू होंदी है चाहे उन्हां नू थोड़ा जा बुखार ही क्यों नहीं हुंदा गला खराब है नज़ला है हड भन्नी है वीकनेस लग रही है तो उन्हां नू जगह जगह पर सेंटर खुले हुए ने फ्री टैसटिंग हुंदी है सो उन्हां नू इमीजिएटली टैसट कराना चाहिए जे वो पॉजिटिव आता है तो सरकार आपे उन्हां नू फॉलो करती है और जदों फॉलो करते हैं तो उन्होंने जब भी थोड़ी जी भी कोई सह लैन दे विच तकलीफ हुंदी है या कोई होर तकलीफ हुंदी है तो उन्होंने इमीजिएटली हॉस्पिटल रिपोर्ट करना चाहिए ना कि इस स्टेज पर आके कि साड़ी बस ही होगी हुण तो सह आ ही नहीं रहा है। पेशेंट बदन का रीज़न भी यही है भी लोग लेट पहुँच रहे हैं पेशेंट बदन का रीज़न तो होर बहुत ने जी मास्क ना यूज़ करना सोशल डिस्टेंसिंग ना मेनटेन करना हैंड हाइजीन ना मेनटेन करना मेन कारण वो ने। हाँ सैकेंडली जो लेट रिपोर्ट करते हैं तो कम्यूनिटी के रेंदे ने घर रेंदे ने कि टैसट नहीं कराते तो वह भी एक वड्डा कारण स्प्रैड का हो सकता है। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच।